Not the length. No, it's okay, it's okay. वो माइक है तो ऑडियो भी आ रहा है। अच्छा ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है, आ रहा है ना। कुछ प्रॉब्लम है पैन नंबर तो पैन पैन या हाँ हाँ ओके। रिशिता जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन क्योंकि आपकी फिल्म भी आने वाली है 11th of November को 30 minutes। Yes. तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी होगी ये फिल्म और आप इसका पार्ट हैं। ये फिल्म एक्चुअली एक थ्रिलर है और 30 minutes क्योंकि हम सोचते हैं कि इट्स बहुत ही एक आजकल हिंदी अंग्रेजी कोई भी भाषा में आप बोले तो 30 minutes 30 minutes आ रहे हैं। हम लोग एक वक्त, वी आर ऑल टाइम बाउंड, तो क्योंकि हम टाइम बाउंड है, हम लोगों की आदत हो गई है चाहे वो टाइम पे रहें या ना रहें। मगर जब वो एक जो इतना पंक्चुअलिटी को लेकर अगर कोई बहुत ज़्यादा इस पे एम्फोसिस करे और किसी के ऊपर थोप दे, स्पेशली चाइल्डहुड में कोई भी बात हो चाहे वो टाइम हो या कुछ, तो वो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उस पर क्या बीत सकती है और क्या हो सकता है। कहानी का बस ये मुद्दा तो ये है, बट इट्स अ थ्रिलर। जब आप फिल्म देखेंगे, मेरा किरदार ऐसा है कि जब आप देखोगे आपको लगेगा ये एक है या दो है या वही है लड़की। थोड़ी सी एक मिस्ट्री रखी है क्योंकि थ्रिलर है एंड फास्ट पेस्ड फिल्म है। और पहले तो बहुत लोगों को लगा 30 minutes मतलब सिर्फ 30 minutes को लेकर कुछ है, तो जब आप देखेंगे तो आपको यू विल डेफिनेटली लाइक व्हाट इट्स ऑल। सो साइकोलॉजिकल थ्रिलर इन अ वे इट इज़, यस। क्योंकि आपने बताया कि टाइम की पंचुअलिटी को लेकर फिल्म है, तो हम हिंदुस्तान में देखते हैं ये बिल्कुल नहीं देखने को। अगर किसी ने बोला कि 9:30 को आना, देखे ऐसे होता है कि अगर हम पंक्चुअल है तो सामने वाला नहीं है और सामने वाला तो हम नहीं, तो ऐसे कई बार हो जाता है। और ये एक बहुत लोग नियम इसे फॉलो भी करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं। हर एक की अलग वजह है और कभी कभार ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम के साथ चलना अच्छा है क्योंकि वक्त ही सब कुछ है। ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगी रिशिता जो टाइम के पंचुअल नहीं है? मैं कहूँगी कि अगर कोई ज़्यादा जेन्युइन वो ना हो इशू, तो डेफिनेटली आप टाइम से चले, इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर अदर्स हु आर देयर। एंड जैसे कि कई बार हम सेट पे होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम टाइम पे रहें, और नहीं रह पाते तो उसमें भी वजह होती है। बट चाहे आम जिंदगी में भी हो, तो जितने लोग ऑफिस जाते हैं वो भी तो टाइम बाउंड होते ही हैं। तो आई वुड से यस, यू शुड हैव अ डिसिप्लिन, चाहे आप जो भी टाइम को यू नो फॉलो करना चाहे। जी, और ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म में? हितेन पटेल भी उनके फादर, हितेन पेंटल एंड यस, सो ऑफ कोर्स उनके पापा तो बहुत बड़े, ही इज अ सच अ वेटरन एक्टर एंड आई थिंक आई उनके साथ मेरे सीन्स नहीं थे, मगर हितेन के साथ ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड। इनफैक्ट शायद लोगों ने उसको थोड़े से कॉमिक रोल्स में ज़्यादा देखा है और ही इज़ गुड एट इट, तो इस फिल्म में थोड़ा सा अलग है। एंड प्लस व्हाट आई एम डूइंग इन द फिल्म इज़ आल्सो वेरी डिफरेंट, तो आई एंजॉयड माय रोल एंड आई हैव नॉट वर्क्ड विद एनी ऑफ देम पहले, बट अच्छा लगा। हेमंत पांडे भी है फिल्म में एंड ही इज़ आल्सो वंडरफुल एक्टर। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ प्रीटी शॉर्ट एंड इट्स अ स्मॉल कास्ट, बट क्योंकि कहानी ऐसी है इट डिड नीड सो मेनी एक्टर्स। क्योंकि आपने बताया कि फिल्म थ्रिलर है, तो और कुछ जानना चाहेंगे कि मतलब थ्रिलर है इसलिए ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है। आपका जो किरदार होगा उस थ्रिलर से कितना अटैचमेंट होगा? ये थ्रिलर एक्चुअली साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इट इज़ नॉट जस्ट कि कोई मर्डर मिस्ट्री है भी और नहीं भी। एक्चुअली मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ बिकॉज मैं चाहूँगी दर्शक ये फिल्म देखे एंड एक एक अच्छी उनको एक मैसेज, एक अच्छा मैसेज जाता है जो मैंने पहले ही आपको बताया व्हाट इज़ द मुद्दा क्या है फिल्म का। सो आई एम श्योर वो दर्शकों तक जाएगी एंड इट विल बी लव्ड एंड लाइक्ड बिकॉज हिंदुस्तान में थ्रिलर्स कम बनते हैं। क्योंकि रिश्ते जी आपसे भी कई बार सवाल आई थिंक पूछे गए होंगे और पूछे जाएंगे कि क्योंकि ये फिल्म टाइम के ऊपर भी है, तो रिश्ता टाइम भी कितनी पंचुअल है? और जब भी कहीं किसी का मतलब किसी को टाइम दे के किसी मैं वैसे मैं पंक्चुअल हूँ भी और नहीं भी, मैं अपने टाइम से चल जाती हूँ, मगर मैं टाइम वो रख लेती हूँ जो मैं कहती हूँ। मगर अगर ज़्यादा मैं टाइम बाउंड हो जाऊँ, हाँ आम जिंदगी में नहीं हो पाती हूँ, बट वर्क वाइज यस
कभी शूट में ऐसा होता है कि मैं टाइम पे हूँ और बाकी लोग टाइम पे नहीं है, तो वो एक वो तो चलता रहता है. दीज आर बेसिक एरर्स दैट हैपन एंड इट डजेंट मैटर, बट मोस्टली येस आई वुड लाइक टू बी अ लिटल पंक्चुअल सो दैट यू नो इट मेक्स एवरीबडीज लाइफ सिंपल. फिल्म के शूट के दौरान कोई ऐसा एक्चुअली हमने ये शूट फिल्म शूट की थी गोरखपुर यूपी साइड, एंड यू नो व्हाट हैपेंड इज के उनको एक मिस्टीरियस टाइप का वो चाहिए था माहौल, बिकॉज यू नो ठंड के मौसम में इतने ज़्यादा ऐसे ठंड थी, उसमें ये सारे सीन्स करना इट वॉज बेनिफिशियल फॉर द फिल्म, बट वी वर क्वाइट या थ्रिलर के साथ साथ हमारा भी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो गए थे, बिकॉज वी वर प्रीटी यू नो डाउन विद द वेदर कि हम कैसे इसको फाइट करें, बट इट वॉज फन. आई थिंक वो तो हर शूट में होता ही है, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, बट येस वी एंजॉयड द शूट. एंड शूट में कई बार ऐसे भी होता था कि क्योंकि हितेन और मैं नेचुरली हमको कॉमेडी अच्छी लगती है, मैं भी वैसे हूँ वो भी ऐसे है, तो कभी सीरियस सीन्स में हम लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, बिकॉज अदरवाइज या तो वो मुझे देख के हंस लेता था या मैं उसको देख के हंस लेती थी, सो वी हैड अ टफ टाइम बींग सीरियस ऑन स्क्रीन. जी, क्योंकि फिल्म 11th ऑफ नवंबर को आ रही, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को, जो जिसे आपके फैन को? मैं कहूँगी कि ज़रूर देखिए, बिकॉज थ्रिलर है, कम थ्रिलर्स एक्चुअली वैसे भी बनती है, और आई होप हमने अगर इसमें इतनी मेहनत की है, एंड आई हैव एक्टेड इन दिस फिल्म ऑफ अ डिफरेंट जॉनर दैट व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, आई वुड लाइक एवरीबडी टू गो एंड वॉच इट. इसके साथ साथ हम दिवाली की भी तैयारियां देख रहे हैं आपके घर पे, आप जोर शोर से तैयारियां चल रही है. जब दिवाली की बात होती है या दिवाली करीब आता है, रिशिता क्या फील करती है, कितना एक्साइटमेंट मोमेंट होता है आपके लिए? दिवाली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लोगों को यही कहती हूँ कि आई थिंक जब मैं बहुत छोटी थी तब कभी कभार क्रैकर्स आई यूज टू बर्स्ट, बट तब से मुझे नॉइज़ पोल्यूशन और वो जो उसका जो स्मोक निकलता था, इट वॉज़ क्वाइट सफोकेटिंग फॉर मी फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड आई नेवर लाइक्ड इट, दो आई लव द लाइट. एंड वो जो पटाखे जब हम फोड़ते हैं, कुछ होता है जैसे अनार है, चक्री है, फुलझड़ी है, दीज आर वेरी ब्यूटिफुल एंड प्योर यू नो वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिवाली. शगुन के लिए हम फुलझड़ी भी जलाते हैं, एंड दिए तो होते ही हैं. सो मेरा मकसद यही होता है दैट दिवाली सिग्निफाइज फॉर एवरीबडी टू ब्रिंग इन लाइट इन योर लाइव्स एंड कीप इट फॉर द फुल ईयर अराउंड एंड ब्रिंग इन लॉट ऑफ जॉय एंड बर्न अवे एंड सारी जो डार्कनेस है उसे निकाल दीजिए. मैं बचपन से रंगोली करती हूँ एंड ये शौक बहुत पहले से है, तो रंगोली दिए ये सब मैंने हमेशा किया. आई एंजॉयड जितनी भी क्रिएटिव प्रकार की जो चीज़ें, चाहे वो डांस हो या कुछ भी हो, मैंने हमेशा उसे किया है बचपन से, तो वो अभी भी बरकरार है, जारी रखा है मैंने. एंड आई लाइक डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज जब मैं घर पे होती हूँ, ऐसे आई थिंक एक साल पहले या दो साल पहले वाइल आई वाज नॉट एट होम, तो मैं शूट पे थी, ऑब्वियसली टीम मेंबर्स ने भी मनाई थी दिवाली और छुट्टी थी, बट एट द सेम टाइम मैंने दिए भी उधर भी किए थे और रंगोली भी की थी, तो एवरीबडी आई लाइक टू इन्वॉल्व एवरीबडी टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल फेस्टिवल. और दिवाली में मतलब दिवाली से रिलेटेड ऐसी कोई मेमोरी है या फैमिली के साथ में जो आप शेयर करना चाहें? दिवाली बस यही है कि आई डिड नॉट लाइक दोज बॉम्ब्स एंड क्रैकर्स, मैं हमेशा कान बंद करके बैठ जाती थी, और मिठाइयाँ खूब सारी खाती हूँ अभी भी, और अच्छी लगती हैं मिठाई हो या घर में जो बनती हैं, सिंपल नमकीन बनता है, सबके घर में बनता है, और द बेस्ट पार्ट होता था कि जब हम छोटे होते थे तो सबके घर जाके चाहे हम किसी के वहाँ जाए कुछ और, कोई और दिन जाए या ना जाए, एटलीस्ट उस दिन ज़रूर जाते थे मिठाई और ये खाने के लिए, तो पूरी एक गैंग होती थी मेरी, और वो पूरी उस गैंग की लीडर होती थी मैं, और हम सबके घर जाके हैप्पी दिवाली करके आते थे और ज़रूर कुछ खा के आते थे. जी, क्योंकि आपने बताया कि मिठाई खाने में बहुत बिलीव करते हैं, आई होप हम सभी को मिठाई बहुत ही पसंद आती है. जी, मतलब घर में हम दिवाली वो एक मेरा इतना शौक नहीं है मिठाई का, बट एक वो एक फेस्टिव फीलिंग आ जाती है, पता नहीं क्या होता है कि यू नो इट्स मीठा एंड द नमकीन एंड द नाइस डेलिकेसीज दैट आर मेड, दे सो यू नो इंटेंटिंग दैट एट दैट पॉइंट ऐसा लगता है कि आप फेस्टिवल मोड में हैं. करेक्ट करेक्ट. मैं जानना चाहूँगा कि बनाने में क्या क्या बिलीव करती है, क्योंकि मैं कुछ नहीं बना सकती हूँ, तो आई ओनली बिलीव इन ईटिंग. ओके, इस बार हम सभी जो है दिवाली के मौके पर शहीदों को भी याद कर रहे हैं. जी बिल्कुल. उनके घर वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी रिशिता? मैं सबसे पहले उनको थैंक यू कहना चाहूँगी
कि उन्होंने स्पेशली टू देयर पेरेंट्स हु हैव गिवन बर्थ टू सच वंडरफुल सोल्स, कि हम यहाँ बैठे इतनी शांति से आराम से हम जो बात कर रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ देम. आई रियली प्रे फॉर नॉट जस्ट देयर सोल्स टू रेस्ट इन पीस बट ऑल्सो द एंटायर फैमिली, कि उन्हें जितना लॉस हुआ है वो हमें भी उतना लॉस हुआ है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा गर्व है उन लोगों पर कि उन फैमिलीज़ को मैं ज़रूर हम सब की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगी, और कहना चाहूँगी कि आप जैसे पेरेंट्स एंड वाइव्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड जैसे लोगों की वजह से वी आर वॉट वी आर टुडे विथ सो मच ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, एंड आपका हौसला हमेशा बढ़ के रहे. एंड आई जस्ट प्रे दैट आप ये त्यौहार और कोई भी दिन अगर हैं तो आप खुशी से मनाएं, क्योंकि आप लोगों को गर्व होना चाहिए. चलिए एक दिवाली विश आप खाने में रिश्ता हाय, मैं हूँ ऋषिता भट्ट एंड आई वुड लाइक टू विश माई ऑडियंस एंड व्यूअर्स हैप्पी दिवाली, प्रॉस्परस न्यू ईयर, और मैं यही चाहूँगी कि मे दे बी लाइट इन ऑल योर लाइव्स एंड मे यू ऑल बी वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच थैंक एंड यू. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक थैंक यू. यू. सेट हो गया. ये विजुअल भी लेंगे तो वो और अच्छा होगा फिर अभी. वेयर इज
बस ठीक है, अभी बस हाँ वो रंगोली चलो आ जाओ।